नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, जिसके संकेत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी आना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका दौरा केदारनाथ का भी हो सकता है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन देवभूमि में हो सकता है, इसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ये कहते हुए नजर आए कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं और केदारनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। हालांकि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी नहीं आया है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ केदारनाथ में वो दर्शन भी करेंगे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई मूल मंत्र भी वो कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को दे सकते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया। इस मौके पर आईआरटीडी सभागार सर्वचौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ऐसे लगातार चर्चाएं होती रहेंगी, सम्मेलन होते रहेंगे, ताकि इन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं तक एक अलग ऊर्जा पहुंच सके और इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जो की जा रही है उनको और ज्यादा मजबूती मिल सके। हमारा रोड मैप तैयार है, प्रबंधन समिति हमारी तैयार हो गई है। अब ये वरिष्ठ लोग जितने प्रबंधन समिति में आए हैं, सबको साथ लेकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम लोग चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड बीज और तराई विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की। बैठक में 186 कर्मियों के 2016 से 2021 तक के डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य के निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के द्वारा उनकी आवश्यकताओं का 50% आधारीय बीज निगम से क्रय किया गया। टीडीसी द्वारा पंतनगर विश्वविद्यालय और भरसार विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्वतीय फसल प्रजातियों के बीज उत्पादित कर राज्य के कृषकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय में निगम के लाभांश में वृद्धि की करने और टीडीसी की हालात को सुधारने के लिए सीड्स प्लांट्स के आधार सीड्स के 50% को टीडीसी से लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 33,000 क्विंटल सीड्स को सब्सिडी के आधार पर टीडीसी से सहकारिता के माध्यम से कृषकों में वितरित किया जाएगा, ताकि लाभ मिल सके। 186 कर्मियों के डीए भुगतान का फैसला भी लिया गया है। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम की बैठक हुई, बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। जो आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, 186 जो कर्मी हमारे टीडीसी के, उनकी 2016 से मांग थी कि उनके डीए का भुगतान किया जाए। टीडीसी की माली हालत बड़ी खराब थी, लेकिन मैं बधाई भी देना चाहूंगा टीडीसी में पिछले कुछ समय से उनके प्रबंधन को, जिसमें एमडी और महाप्रबंधक की बड़ी भूमिका रही कि आज हम करीबन वहाँ पर लाभ, शुद्ध लाभ का 1,86,00,000 रुपये अभी बैलेंस है, जो जिसको ये निर्णय हुआ है कि सभी कर्मचारियों में इस पैसे को उनका 2016 से 2021 तक का जो डी है उसमें अनुपातिक तौर पर सबको दे दिया जाए, ताकि सबको इसका फायदा मिले। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि टीडीसी की माली हालत सुधारने के लिए कि जो हमारा सीड प्लांट्स हैं उनको आधार जो सीड है बेस सीड को 50% टीडीसी से लेना अनिवार्य कर दिया गया है, कि 50% उनको आधार बीज टीडीसी से लेना कंपल्सन ये होगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिनके उत्पाद को टीडीसी जिसकी मार्केटिंग करती है, उनसे टीडीसी का जो पूर्व में कमीशन 5% मिलता था उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि टीडीसी की माली हालत और ठीक हो सके। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से 33,000 क्विंटल सीड सब्सिडाइज सीड जो टीडीसी से जो द्वारा उत्पादित होगा उसको कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बांटा जाएगा,
जो जिसमें की सब्सिडी दी होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जिलाधिकारी रंजना राजगुरु, स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा से सीएससी में बने ऑक्सीजन सेंटर का फीता काटकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना में योगदान दिए जाने पर डाबर प्राइवेट लिमिटेड का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सेंटर के माध्यम से 36 बेडों के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 36 बेडों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। आने वाले समय में बालाजी एक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो ऑक्सीजन सेंटर के माध्यम से 100 से ज्यादा बेड तक का ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है। वहीं स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि 60 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का धन्यवाद करते हैं। जिस तरह देश में फैली कोरोना महामारी की प्रथम लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं घरों के चिराग ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण बुझ गए थे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के मद्देनजर ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना की गई, जिससे नगर क्षेत्र की जनता को हर हाल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में लगातार लोगों की जान जा रही थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऐसे में तमाम जो राज्य हैं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड भी सबसे आगे नजर आ रहा है। लिमिटेड के सहयोग से सीएससी सीता 250 LPM का ऑक्सीजन प्लांट आज लोकार्पण किया गया है। तो सबसे पहले मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार ही कहने पर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन प्लांट लग के तैयार हो गया। अभी हाल फिलहाल तो 36 बेड पे पूरी पाइपलाइन बिछ गई है और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो रही है। और फ्यूचर में या नॉर्मल डेज की अगर हम बात करें तो ये 80 से 100 बेड पे भी सप्लाई से हो सकती है। और आगे जो बालाजी ग्रुप द्वारा जो कार्य किया जाएगा तो उसमें आगे भी हम लोग इसका विस्तारीकरण करेंगे और अधिक बेड को हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन उसमें डालना है। तो ये पूरी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि जो हम संभावित थर्ड वेव की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। हालांकि हम इस वजह से प्रार्थना करेंगे कि थर्ड वेव जैसी कोई चीज़ आए ही ना। डाबर इंडिया का जिन्होंने मेरे और मैडम के रिक्वेस्ट पे 60 लाख रुपए का यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी है सीएससी सितारगंज में। पिछले कोरोना वेव में आप सबने देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए तराई तराई मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, परेशान थे। तो इस सिलेंडर इस ऑक्सीजन प्लांट से हमारे जो सितारगंज अस्पताल के 36 बेड कवर है और जब बालाजी यहाँ पर अपना पूरा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट कर देगा तो ये ऑक्सीजन प्लांट लगभग 100 ऑक्सीजन बेड को सप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक एवं जिला देहरादून के प्रभारी फुरकान अहमद ने आज डोईवाला स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों एवं वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर उनके मन की बात जानी। आपको बता दें कि कांग्रेस 2022 के चुनाव के लिए जोर शोर से लगी हुई है। इस कड़ी में आज जिला कांग्रेस प्रभारी विधायक फुरकान अहमद कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को एक एक कर बुलाकर बंद कमरे में डोईवाला से कौन प्रत्याशी हो इसको लेकर चर्चा की, जिसकी रिपोर्ट बनाकर वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद डोईवाला में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होगा। साथ ही विधायक फुरकान अहमद ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी गई है, इसे हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। सभी ने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी पार्टी द्वारा घोषित किया जाएगा सभी कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। तो डोईवाला में चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कार्यालय है वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। डोईवाला में प्रत्याशी चयन को लेकर एक गुपचुप बैठक भी होती हुई नजर आई। जो हमारे परवादून जिला पड़ता है डोईवाला विधानसभा में मुझे यहाँ पर प्रभारी बनाया गया। तो आज हमने अपने वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला सिंह बीस जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष सैनी साहब बैठे हैं, जितने भी हमारे जो जिम्मेदार साथ मिले हमने सबकी राय ली कि 2022 का चुनाव हमारे साथ पर है और जनता
भाजपा से परेशान हो चुके हैं। जो वादे किए थे सब उनके वादे झूठ निकले। महंगाई हो चाहे रोजगार हो चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, बहुत से जो वादे किए थे वो सब झूठ निकले। तो जनता ने मन बना चुका है कि आने वाले 2022 में हम यहाँ से कांग्रेस को जिता कर भेजेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए हम अपने जो हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं पार्टी को उनसे राय, हमने अलग अलग सबसे राय ली, जो भी उनकी राय हो हम अपने हाईकमान को खुद करा देंगे और जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, जो भी हाईकमान कैंडिडेट यहाँ पे आएगा, हम सब ने वादा किया कि हम सब मिलकर आपस में उसे जिताने की। गढ़वाल के कांग्रेस मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा है कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। कांग्रेस सत्ता में लौटी तो हर हाथ को रोजगार और महंगाई रोकना प्राथमिकता होगी। बुधवार को गोपेश्वर में जिला पंचायत में प्रेस वार्ता में कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा जहां भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं भाजपा के तीन तीन दिग्गज नेता महेश नेगी विधायक द्वाराघाट, सुरेश राठौर विधायक भाजपा संगठन महामंत्री संजय कुमार द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले अपने नेताओं को सजा दिलाने की जगह उनको बचाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी और महंगाई रोकने में नाकाम है। घरेलू सिलेंडर से लेकर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने वाले सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। सिलेंडर की कीमत 800 रुपए से ज्यादा की है जो कि उनकी हैसियत से बाहर है। कहा कि कांग्रेस सत्ता पर लौटी तो पुलिस का ग्रेड पे, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती, पुरानी पेंशन की बहाली करेगी, भू कानून देवस्थानम पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबसे ज्यादा त्रस्त है तो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। इनके भ्रष्टाचार को भी हम उजागर करेंगे। इन्होंने जीरो टॉलरेंस का जिस तरह से नारा दिया और उसकी आड़ में कर्मकार बोर्ड हो, कुंभ घोटाला हो, टेस्टिंग घोटाला हो, सूर्यधार झील घोटाला हो, इन्होंने जिस तरह से छात्रवृत्ति घोटाला, सिटकुल घोटाला, तमाम घोटाले भी हम बताएंगे जनता को। लेकिन पहले हम जनता को बेरोजगारी और महंगाई जिससे वो लड़ रही है, जूझ रही है, कोरोना संकट काल में लोगों के रोजगार छिन गए हैं, ऊपर से महंगाई की ये मार कि खाने का तेल हो या गाड़ियों में भराने का तेल हो, सब बूते से बाहर हो रहा है जनता के, उसके ऊपर हम सबसे पहले जनता के बीच में जाएंगे, उन पर उनके जख्मों पर मलहम लगाएंगे और वादा करेंगे कि महंगाई कम करना हमारा ध्येय रहेगा, बेरोजगारी कम करना हमारा मकसद रहेगा। और हमने की इस कोरोना संकट काल में अगर सबसे ज्यादा कोई काम आया है तो वो मनरेगा योजना जो कांग्रेस पार्टी लाई थी। उस मनरेगा योजना के तहत लोगों को जो 100 दिन का रोजगार का प्रावधान है उसने लोगों का बचाव कार्य किया है। हम अपनी जो सूचना का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, जो सारा कांग्रेस पार्टी की देन है, ये सब लेकर जाएंगे। विकास हमारा चेहरा कि दुष्यंत जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना भी अपमान है, क्योंकि दुष्यंत जी जैसे लोग जिनका कोई योगदान इस देश के लिए है ही नहीं। और दुष्यंत जी क्यों, आप मुझे बताइए भाजपा का योगदान क्या रहा है इस देश के लिए? ना आज़ादी की लड़ाई भाजपा ने लड़ी, ना फिर जेपी मूवमेंट में भाजपा का कोई योगदान रहा, और ना फिर अभी 2014 में अन्ना हजारे मूवमेंट की वजह से कांग्रेस को एक डेंट पहुंचा है। इन्होंने तो कभी जनता की लड़ाई लड़ी नहीं, इन्होंने तो जनता के मुद्दे कभी उठाए नहीं, इनको तो पकी पकाई खीर हमेशा दस्तरी में परोस के मिली है। तो ये क्या जाने देश के लिए प्राण न्यौछावर करना कहते किसको है? इसलिए राहुल गांधी जैसे लोगों को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो उस खानदान का व्यक्ति हो जिसने अपने पिताजी को और अपनी दादी को इस देश के ऊपर न्यौछावर होते हुए देखा, उनका शत विक्षत शरीर देखा हो, उस व्यक्ति को इनके सवाल का जवाब देना भी मैं अपमान समझती हूँ। किशोर विधानसभा के पुलभट्टा थाना अंतर्गत आज प्रदेश पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट और कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक धरना पुलभट्टा थाना परिसर पर दिया गया, जिसमें रविवार को सिरौली कला निवासी श्रीमती नूर निशा की डिलीवरी के दौरान मिशन हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, जिस पर परिजनों का आरोप है कि नूर निशा की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण हुई, जिस कारण 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तथा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण जनों ने प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू के साथ पुलिस प्रशासन हमें न्याय दो और हमारी FIR लिखो, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाए। मौके पर पहुंचे अशोक पुलभट्टा, विनोद जोशी और CAC कीछा के डॉक्टर दुबे ने धरनास्थल पर आश्वस्त किया कि आज शाम तक दोषियों के खिलाफ जांच कर मुकदमा लिख दिया जाएगा। अगर आज शाम तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तो आज
सुबह से फुलवट्टा थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की ही होगी। तो कांग्रेस ने फुलवट्टा थाना परिसर में धरना दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने भी डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर्स पर भी ये कहा जा रहा है कि लापरवाही ये है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो डॉक्टर्स दोषी हैं स्वास्थ्य विभाग ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, जो और लोग हैं उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रामनगर में एक युवती के साथ चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया कि एक युवती ने तहरीर देकर चार लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि पूर्व में भी उन लड़कों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवराज सिंह बिष्ट, ऋतिक वर्मा, बलराम सिंह और गौरव रावत को रामनगर के अलग अलग जगह दबिश देकर अरेस्ट किया गया। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल रात्रि में एक लड़की द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी गई कि चार लड़कों के द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। उसे कई बार होटलों में भी ले गए और कल रात्रि में उसे पुनः जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा गया। तहरीर के आधार पर थाना रामनगर में चार नवयुवकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्परता से उनकी गिरफ्तारी की गई और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लक्सर पुलिस के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लक्सर कोतवाली प्रदीप चौहान ने बताया कि सुल्तानपुर कुन्हारी से पीड़िता द्वारा लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी रवि को ननौता से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ग्यारह आठ को एक 376 का मुकदमा कायम हुआ था। हमारे वहाँ पीड़िता द्वारा ये मुकदमा कायम किया गया था सुल्तानपुर कुन्हारी से। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक रवि कुमार सनौफ सलेख चंदन निवासी ननौता का रहने वाला है, उसको आज अरेस्ट करके लाए हैं और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हरक सिंह रावत के बयान का समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि हरक सिंह रावत सच बोलने में माहिर हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बोला वो सच बोला, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें जो भी आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कहा है कि उनका मन चुनाव लड़ने का नहीं है और भाजपा आलाकमान उन्हें किसी भी तरह का आदेश देगा वो उसका पालन करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और हरक सिंह रावत का बयान भावुक होकर उनके मुंह से निकल गया क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। कुंजवाल ने कहा कि हरक सिंह रावत की बात बिल्कुल सही है और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हरक सिंह रावत ने भाजपा में रहते हुए ये बात बोली। हरक सिंह दिल के साफ इंसान हैं और इसलिए राजनीति में भी हर बात को खुलकर बोलते हैं, लिहाजा उनके बयान को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में अब और कभी कभी वो भावुक होकर के सही बात भी उनके मुंह से निकल पाती है, तो उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है, गलत बात सही है, लेकिन अब उसी पार्टी में हैं और पार्टी में होने के नाते कह दिया तो फिर उसको वापस भी लेना पड़ा या फिर उसको बदल कर बयान देने पड़े, ये बात अलग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हरक सिंह रावत दिल का साफ आदमी है। क्या कांग्रेस प्रेम झलक रहा है दोबारा वापसी करने के चक्कर? ना अब प्रेम झपके कुछ जगह हम मैं तो व्यक्तिगत से भी मैं उनको मानता हूँ, संपर्क मेरा है, ऐसा नहीं है, और लेकिन वो दिल में कुछ नहीं रखते जो मैंने अनुभव किया। पूरी विचारधारा मिल रही है, वो ज़रा थोड़ा सच को कहने में उस्ताद हैं, सच सच बोल देते हैं ज़रा थोड़ा, तो उन्होंने कुछ बात कही है, लेकिन कोई ऐसा मन कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। नहीं लगता ही क्या वो किसी और दल में जाने को तैयार है? उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या आया है ये खुद देख लो। उन्होंने कहा है कि मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, बहुत चुनाव लड़नी है, लेकिन
आगे भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वरिष्ठ लोग, वो मैं करूंगा। वैसे तो केंद्र राज्य में भाजपा की सरकार है और विकास कार्यों की बरसात भी की जा रही है, हर मंत्री और विधायक यही बोलते हैं, लेकिन अपने आप में तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। बता दें कि रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग का कार्यालय स्थित है, लेकिन कार्यालय की हालत देखें तो बिल्कुल जर्जर है। हालत में बिल्डिंग खड़ी है और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई यूपी का मंत्री या विधायक आज तक यहाँ नहीं पहुँचा है। वहीं रुड़की में भी लगातार इस तरह के हादसों का इंतजार होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कर्मचारी कार्यालय में बैठकर काम करते हैं, वो एक डर का भाव लेकर बैठते हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं किसी दिन बिल्डिंग टूट कर ना गिर जाए। जब हमारे चैनल की टीम इस विभाग में पहुंची तो देखा कि बिल्डिंग के बाहर कुछ लेंटर के टुकड़े टूट कर गिर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में अधिशासी अभियंता शंकर भारती से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना है कि उनके द्वारा लेटर बनाकर भेज दिया गया है कि बिल्डिंग मरम्मत अच्छी हो जाए, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पूरे देश भर में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। हरिद्वार के एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराएगी 6 माह की नव प्रसूता को महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कुपोषण को भगाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं और भविष्य में भी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी। उनका कहना है कि पूरे उत्तराखंड में लगभग 11,000 बच्चे कुपोषण और 2,500 बच्चे अति कुपोषण का शिकार हुए हैं। उनकी सरकार का प्रयास है कि जल्द ही प्रदेश को कुपोषण मुक्त कर दिया जाएगा। कुपोषण का आंकड़ा यदि हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश भर में 11,000 के करीब कुपोषित बच्चे हैं और 2,500 के करीब हमारे ऐसे अति कुपोषित बच्चे हैं। हम लोग लगातार जनपद हरिद्वार की यदि पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो वो करीब 4,000 के करीब संख्या है और वो संख्या फ्लक्चुएट होती है, उसमें कई कारण बीमारी के भी कारण रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि लगातार हम लोग चूँकि अब कुपोषण पर काम कर रहे हैं, विगत कई सालों से इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो ये संख्या धीरे धीरे जो है वो अब कम हो रही है। और मैं बहुत जल्द मानती हूँ जिस प्रकार से आज अन्न प्राशन हुआ, जिस प्रकार से आज गोद हुई, जिस प्रकार से महिला किट का वितरण हुआ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आजकल अमृत योजना चल रही है, बाल प्लास चल रही है, तो हमारे बच्चे बहुत जल्द जो है वो इस कुपोषण से बाहर निकलेंगे और ये संख्या जो हरिद्वार की 4,000 की है ये धीरे धीरे कम होगी और बच्चे हमारे सुपोषित होंगे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी हरिद्वार से मिल रही है। दरअसल सीबीआई की टीम प्रयागराज से आनंद गिरी को लेकर उनके हरिद्वार के श्यामपुर स्थित आश्रम में पहुंची है। सीबीआई की टीम में 6 अधिकारी बताए जा रहे हैं। आश्रम के अंदर आनंद गिरी से लगातार पूछताछ की जा रही है और चीजों को खंगाला जा रहा है। आनंद गिरी के शिलाश्रम के सीसीटीवी कैमरे की भी जाँच की जा रही है। सीबीआई टीम के साथ हरिद्वार पुलिस भी तैनात नजर आ रही है। दरअसल बागम्बरी मठ के जो महंत थे नरेंद्र गिरी, उनका शव कुछ दिनों पहले ही उनके कमरे से पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ, सियासत भी बहुत हुई और लगातार मांग होने लगी कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, जिसमें एक सुसाई नोट भी बरामद हुआ था। इस सुसाई नोट करीब 7 पन्नों का था, जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम सबसे टॉप पर था। उसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आनंद गिरी को लेकर आश्रम में लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल हरिद्वार से पहले प्रयागराज लाया गया, प्रयागराज में पूछताछ की गई, उसके बाद प्रयागराज से अब हरिद्वार लाया गया है। सीबीआई ने इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया है, कैसे महंत नरेंद्र गिरी का शव उस कमरे में लटका हुआ था, उस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था, सीसीटीवी जो बाहर लगे हुए हैं उनकी भी छानबीन लगातार की जा रही है, जो रसोइये ने खाना बनाया था उसको लेकर भी लगातार छानबीन की जा रही है। दरअसल योगी सरकार का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऐसे में हरिद्वार से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? सीबीआई की टीम प्रयागराज से आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची है, उनके आश्रम जो कि सील बंद है। जी, ये काजल आपको बता दें कि प्रयागराज से सीबीआई टीम उनको एयरपोर्ट से सीधा जुड़ गया है, एयरपोर्ट से हरिद्वार लेकर उनके आश्रम श्यामपुर पहुंची है, जो कि अभी अंदर जांच की जा रही है और यहाँ के पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। सीबीआई के 8 अधिकारी आनंद गिरी को यहाँ लेकर पहुंचे हैं।
जो कि अभी जांच की जा रही है, एक घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी जानकारी यही मिल पा रही है, यहाँ जाँच चल रही है। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से खबर सामने आई जहां पर अनंत गिरी को लेकर आश्रम में लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई टीम के साथ हरिद्वार पुलिस भी मौके पर तैनात है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।